वो था सॉफ्ट हिंदुत्व जिस पर चलने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, अब उस पर दोबारा से सियासत गरमा गई है। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व कैंपेन से बड़ी उम्मीदें थी, इसलिए पूरा चुनाव प्रचार उसके इर्द गिर्द सिमटा हुआ था। चाहे वो प्रियंका गांधी की नर्मदा आरती हो, या फिर राम नाम की धुन, या फिर बजरंग बली का गदा, या फिर दिग्विजय की कांवड़ यात्रा, हर तस्वीरों के पीछे संदेश धार्मिक था। लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं मकसद सॉफ्ट हिंदुत्व को बढ़ावा देना था। मगर अब जब चुनाव में ये हथियार फेल साबित हुआ है तो कांग्रेस नेता अलग तर्क देते दिख रहे हैं। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस बेचारा एक कर्म आधारित राजनीति करती है और उस आधार पे अपना काम करती है। अगर इस चुनाव दौरान में या इस साल में अगर हम लोगों का कुछ आचरण आपको अगर सॉफ्ट हिंदुत्व का अगर इशारा करता है तो मैं समझता हूँ ये नज़र का फेर है। हमारे जो सनातनी है, हम लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा संपूर्ण रूप से एक धर्मांतर की रहती है, धर्म के आधार पर उनकी राजनीति रहती है। इसलिए ये हो सकता है कि आपको बढ़ के देखें, लेकिन ये हम लोग के हृदय से होता है। हम लोगों को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है और सबको साथ लेके काम करने का काम करते हैं। हिंदुत्व के पिच पर खुलकर बैटिंग करने वाली बीजेपी अब कांग्रेस के तर्क पर मुखर हो गई। पार्टी का दावा है कि कांग्रेस को सिर्फ चुनाव के वक्त ही हिंदुत्व की याद आती है। देखिए, सिर्फ चुनाव के समय पे हिंदू होना और फिर उसके बाद फिर वापस अपने पुराने उसमें आना, ये दोनों बातें जनता समझ चुकी है कि इसके पहले उनका क्या रुख था और उसके बाद फिर चुनाव के समय पर हिंदू होने का, नकली हिंदू होने का नाटक करना, ये जनता समझ चुकी थी। और जिस तरीके से उनने एक पाखंड किया हिंदू होने का और अपने आप को सनातनी बताने का, उस वो जनता ने नकार दिया। जनता इसका हिसाब और गुस्सा जनता ने मतों में तब्दील होते हुए आपने देखा होगा कि वो किया है। माना ये जा रहा था कि चुनावी नतीजों के बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर बहस थोड़ी कम होगी, लेकिन जिस तरह से इस पर अब भी बयानबाजी हो रही है उससे ये तय है कि आने वाले समय में सूबे की सियासत में धर्म का तड़का और तेज होगा।